सो इस एमुलेटर के अंदर जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेडे हल के तीनों के तीनों वर्जन आ चुके हैं, एपिक, स्टीम एंड रॉकस्टार। एंड ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्पीड टेस्ट का, इसे दोस्तों आपका नेटवर्क का स्पीड जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। सो ये चीज दोस्तों मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस एमुलेटर के अंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैड गेम यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों मतलब हम कुछ अलग सा करने वाले हैं, मतलब कि हम लोग हमेशा चिक्की, नेटबुक एंड मोगुल इस एमुलेटर के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो है हम दोस्तों कुछ न्यू क्लाउड गेम्स ऐप ट्राई करेंगे। सो वीडियो करते हैं फटाफट से स्टार्ट। अच्छा तो इस पेरा क्लाउड गेमिंग ऐप है दोस्तों बूस्टराइट क्लाउड गेमिंग, एंड दूसरा है दोस्तों वन प्ले क्लाउड गेमिंग, एंड थर्ड नंबर का जो है दोस्तों वो है क्लाउड गेमिंग प्ले गेम्स ऐप, तो गाइस ये कुछ अजीब सा नाम है। एंड लास्ट वाला जो है दोस्तों वो है प्लेनेट क्लाउड गेमिंग। अभी इन सबको दोस्तों मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ। A few moments later. So, इन चारों ऐप्स को दोस्तों यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया, बारे बारे से इनके लेंगे। क्या बोला तूने? मतलब बारे बारे से इनको टेस्ट करेंगे। तो पहला है दोस्तों प्लेनेट क्लाउड गेमिंग, तो इस पे ऐप पे मैंने क्लिक कर दिया, इस पे हम लॉगिन कर लेते हैं फटाफट से। गूगल से यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया है, बट दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने साइन इन किया यहाँ पर लॉग आउट सक्सेसफुल तो दिखा रहा था। एंड यहाँ पर अब दोस्तों कुछ गेम के सर्वर जो है मतलब वो ऐड हो रहे थे इसमें, पता नहीं मतलब दोस्तों बहुत ट्राई किया इस एमुलेटर के अंदर घुसने का, बट दोस्तों ये एमुलेटर मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहा। सो मैंने बहुत ट्राई किया बट हुआ नहीं। सो इससे दोस्तों मुझे ये पता चला कि ये एमुलेटर पूरा का पूरा फेक है। जी हाँ, ये पूरा फेक एमुलेटर है। सो अभी बात करते हैं दूसरे नंबर की। सो दूसरे नंबर पे है दोस्तों वन प्ले क्लाउड गेमिंग, तो यहाँ पर उसमें जिसमें लॉगिन कर रहा था तो इसमें लॉगिन ही नहीं हो रहा था, मतलब पहले एमुलेटर तो लॉगिन हुआ बट इस एमुलेटर में दोस्तों हम लॉगिन ही नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पर दोस्तों ये मुझे अपना मोबाइल नंबर मांग रहा था, बट यहाँ पर दोस्तों मैंने फिर भी एक मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। यहाँ पर मैंने लॉगिन करने की पूरी कोशिश की बट यहाँ पर तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन ही दब नहीं रहा था, मतलब पता नहीं ये क्या एमुलेटर है। यहाँ पर मैंने फिर से ट्राई करने की कोशिश की बट ये एरर दिखा रहा था। तो दोस्तों ये एमुलेटर भी 100% फेक है। थर्ड वाला दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्राई किया दोस्तों क्लाउड गेम्स, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे नोटिस आ गई थी कुछ, और अभी गाइस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये लोडिंग स्क्रीन में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ओके पर। भाई यार ये तो बड़ा अजीब एमुलेटर है यार, साइनिंग नहीं मांगी इसने। एनीवे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जीटा है मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं प्ले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक हो जाए, हाँ यहाँ पर मैंने प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर कुछ एड्स देख लेता हूँ, एंड एक सेकंड यहाँ पर ये क्या दिख रहा है भाई। यहाँ पर मैं गेम के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से ट्राई किया था, बस वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने फिर से ट्राई किया, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों वापस से वही प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे लगा दोस्तों गेम की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गेम चेंज किया। यहाँ पर देख सकते हो फीफा, यहाँ पर मैंने फीफा ट्राई किया, यहाँ पर सेम दोस्तों वही ऐड दिखा रहा था। एंड इसी दोस्तों मैं यहाँ पे स्किप ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कुछ अलग सा ही आ गया, कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क गेमर, यहाँ पर कुछ अलग सा आ गया। तो दोस्तों ये एमुलेटर भी 100% फेक है यार, मतलब तो सारे एमुलेटर मतलब प्ले स्टोर पे ऐसे फेक ही एमुलेटर पड़े हुए हैं क्या? तो कोई बात नहीं। अभी दोस्तों लास्ट एमुलेटर है दोस्तों बूस्टराइड, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गूगल से साइनिंग कर लिया। ये एमुलेटर मुझे थोड़ा सही लग रहा है, हाँ बाकी एमुलेटर के द्वारा ये एमुलेटर मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई गेम्स, यहाँ पर मैं गेम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइब्रेरी में यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, बट यहाँ पर मुझे साइबर पंक काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड दोस्तों जैसे यहाँ पर मैंने प्ले पर क्लिक किया मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। सेम यार मेरा रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्पीड टेस्ट का ऑप्शन भी है, तो ये गाइस मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जेडे हल के सारे वर्जन अवेलेबल है, स्टीम, इपिक एंड रॉकस्टार। तो ये थे दोस्तों कुछ चार एमुलेटर सस्ते नशे वाले, मतलब चार नहीं तीन ही कह सकते हो, आखिरी वाला तो अच्छा था। मतलब दोस्तों प्ले स्टोर पर ऐसे मतलब बोझ वाले एमुलेटर बने हुए, इससे अच्छा इनको डिलीट कर दो। एंड दोस्तों आप लोग भी इस एमुलेटर के अंदर मत फंसना, आप सबसे पहले रिव्यू एंड डाउनलोड्स चेक कर लेना कि कितने कितने रिव्यूज है, कितने कितने डाउनलोड्स है, तभी इसको डाउनलोड कर लेना, वरना दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो होप करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि दोस्तों चैनल की हालत अभी बहुत खराब है, मतलब पूरा डाउन चल रहा है मेरा चैनल अभी, तो सपोर्ट दिखाओ गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय बाय एंड टेक केयर।